स्टॉक ड्रॉप कर दो और चाबी साथ ले जाओ। हाँ हाँ आसिफ एक मिनट। जी भाभी। Can I talk to you for a moment? आसिफ मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। हाँ ओके। जी भाभी। Oh, it's your brother. He's always in a mood. Well, I did have a chat with him. Has it had no effect? No, nothing at all. In that case, I will have to be firm with him now. Where is he? He's just gone out with a face on after I tried digging some sense into him. Bhabhi, leave it with me, and I will have a good word with him. Any point? There is a point, Bhabhi. There is a point. छोटू, जरा बैक लाउंज में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ छोटू बैठ उधर। क्या बात है? आज कोई पहली बार नहीं है तुम्हारे बारे में भाभी ने कंप्लेन की है। क्यों तू एक आम इंसान बनकर नहीं रह सकता? कोई जवाब है तुम्हारे पास? लाला, बात कुछ यूं है कि हर वक्त वो मुझे अक्कल सिखाती रहती है, जैसे कि इस दिमाग में कुछ है ही नहीं। और फिर आप हर वक्त, क्या सुबह क्या शाम, बस मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आखिर मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी सोच है, मेरी भी फीलिंग्स हैं। देख छोटू, एक मर्द या एक औरत पैदाइश के बाद वो सबसे ज्यादा करीब रहते हैं अपने मां और बाप के, पहले मां फिर बाप। निकाह होने के बाद वो मर्द या औरत सबसे ज्यादा वक्त निभाता है अपनी बीवी या हस्बैंड के साथ, कोई माने या ना माने। और तुम उसी बीवी को जो तुम्हारा इतना करती है, तुम्हारा इतना दर्द है, उसको एक जूती की तरह तो ट्रीट करता है उसे। मैं मानता हूं वो मेरी बीवी है, मैं मानता हूं कि आप मेरे भाई हैं। एहसास है मेरे दिल में, एहसास है। क्यों नहीं देखते आप? क्या मैं इतना नादान हूं? क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि मुझे एहसास नहीं है? सुबह भागो, शाम को भागो, आपकी बातें सुनो, उसकी बातें सुनो, आखिर मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? छोटू, मैं तुम्हें हर वक्त इसलिए समझाता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो तू नहीं समझता। अगर आज मैं ना रहूं तो तू बिजनेस नहीं संभाल सकेगा। मैं मानता हूं तेरे पास दिल है, मैं मानता हूं तेरे पास दिमाग है, लेकिन तू हमें फील ये कराता है कि यू नॉट बॉदर्ड। मैं अपसेट हूं, मैं अपसेट हूं। क्यों अपसेट हूं? क्योंकि मुझे जीने का मौका नहीं दिया जा रहा। घुटन महसूस होती है मुझे इस घर में, घुटन। आप तो कहकर चले जाते हैं, वो भी कहकर चली जाती है, लेकिन मेरे इस दिमाग में रह जाती है वो बात। नहीं निकाल सकता मैं वो बात यहां से। मैं एक इंसान हूं, दिल है मेरे पास। मैं सोचता हूं कि मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर दूं, शायद
इसमें बेहतर होगा। देख छोटू, ऐसी बातें नहीं सोचा करते। नहीं लाला, आप नहीं समझते और आप कभी समझेंगे भी नहीं, और ना ही वो। लाला, मैं मानता हूं कि मां बाप के बाद आदमी अपनी बीवी या अपने हस्बैंड के साथ ज्यादा वक्त निभाता है, ज्यादा वक्त गुजारता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त आपके पीछे ही पड़े रहे। मुझे आप लोग ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि मैं बच्चा हूं 10 साल का। अरे, हंसने खेलने की आदत है मेरी, मैं खुश रहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी जॉली, लेकिन आप लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई बेवकूफ हूं। मैं तंग आ चुका हूं लाला, तंग आ चुका हूं। क्या बकवास कर रहे हो छोटू? ये बकवास है लाला। मैंने अपनी फीलिंग्स आपको बताई हैं और आप इसको बकवास कह रहे हैं। छोटू, तू जानता है तूने अभी क्या कहा है? जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे साथ तुम्हारे जुड़े हुए लोगों की भी है। मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन तुम्हें एहसास है कि पीछे कितनों को मार के जाता है वो? एक इंसान के दिमाग को इतना खराब कर दोगे तो वो क्या करेगा? या तो वो भाग जाएगा या वो खुदकुशी कर लेगा। और क्या करेगा वो? अगर तू समझता है कि हम तुम पे प्रेशर डालते हैं तो जा 2 हफ्ते छुट्टी कर ले। सोच के हम तुम पर प्रेशर डालते हैं या तुम्हारे फायदे के लिए कुछ कहते हैं। वो तुम्हारी बीवी है, अगर तुम्हें कुछ समझाती है तो इसमें क्या है? वो अपने मां बाप भाई बहन छोड़ के तुम्हारे लिए आई है, निकाह किया है उसने तुम्हारे साथ, और तू ऐसे उसे ट्रीट करता है। मर जाऊं? छोटू, अपने आप को संभाल, चल रेस्टोरेंट खोलने का टाइम हो गया है, चल।